दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर वॉच कर रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका साइज़ है 40 बाई 35 फिट। 40 फिट इसकी चौड़ाई है, 35 फिट लंबाई। बहुत ही खूबसूरत प्लान यहाँ पर डिज़ाइन किया है, विथ कार पार्किंग। और एक बड़ा सा एरिया मैंने इसलिए छोड़ा है जिससे आपका वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। ये मॉडल आप देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत मॉडल मैंने डिज़ाइन किया है। अगर ये टू साइड ओपन यहाँ पर मैंने रखा है, अगर आपका ये चारों तरफ से ओपन होता तो और भी प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन हो पाएगा। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। 40 बाई 35 के हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। मैं आपको इस प्लान का पूरा A to Z जानकारी दूंगा, इसका डिजाइनिंग क्या है वगैरह। तो आप बने रहें स्टूडियो में लगातार। मैं हूं झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप जब भी एक घर बनवाते हैं तो आप इस चैनल पर आकर एक बार ज़रूर विजिट कर लें, तो आपके घर को एक नया लुक देखने को मिल जाएगा, नया आइडिया देखने को मिल जाएगा। तो इसी मॉडल को पूरा डिस्कस करेंगे। तो इसका लास्ट में मैं आपको ओवरऑल कॉस्ट भी बताऊँगा कि कॉस्ट कितना पड़ने वाला है। तो अगर हम फ्रंट की बात करें तो ये दोस्तों इसका फ्रंट है। अब ये इसका मेन डोर है, ये आप विंडो दिया है, यहाँ पर एक मैंने बेडरूम क्रिएट किया है इसके लिए विंडो है। और ये कुछ देखिएगा ग्रीन एरिया मैंने यहाँ पर कवर लीव किया, ये स्टेयर से इसके माध्यम से ऊपर जाएंगे, एक ये विंडो है। आप जैसे इसके माध्यम से ऊपर जाते हैं ग्राउंड फ्लोर में मेन डोर के, और साइड में एक विंडो सॉरी मैंने एक बड़ा सा विंडो दिया है डोर की स्टाइल का, लेकिन वो एक विंडो है और ये आपका मेन डोर है। यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखेगा एक मिल जाती गैलरी, और इस गैलरी के माध्यम से आपको दोनों कॉर्नर पर दो बेडरूम मिलते हैं। एक आपका ये आप इसे बड़ा सा ये बेडरूम काफ़ी बड़ा है, उसी के साथ मैंने अटैच्ड लीटेंड एक बात भी दे दिया, अगर आप इसे अटैच भी करना चाहते हैं तो अटैच भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको एक ये बड़ा सा बेडरूम मिल जाता है इस कॉर्नर। इसके बाद आप जैसे जाते हैं तो इस कॉर्नर पर आपका डाइनिंग एरिया मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पर आप पूरा एक हॉल टाइप का आपका रहेगा, डाइनिंग एरिया से बोल सकते हैं। बड़ा सा कोई भी गेस्ट वगैरह आएगा यहाँ पर आप सोफे वगैरह लगा लें, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से घर मेंटेन हो। और इसके बाद इस कॉर्नर पर भी आपको एक बेडरूम देखने को मिल जाता है, इसी बेडरूम के सहारे मैंने स्टेयर्स को चढ़ाया है और जाकर आप फिर से टर्न हो जाते हैं अंदर की ओर। और इसके बाद ये आपका किचन एरिया है, ये आप जो देख पा रहे होंगे, इसी गैलरी से जाएंगे तो ये आपका किचन एरिया मिल जाता है। इसी किचन एरिया के साइड से मैंने पीछे वाले बेडरूम के लिए डोर दिया है, और इस वाले बेडरूम के लिए ये आपका डोर दिया है। इसका अगर विंडो की बात करें, वेंटिलेशन की बात करें, तो फ्रंट से मैंने विंडो दिया है। और इस वाले बेडरूम में तो ये डोर है एक, और इसी लेटेंट बात इसके लिए मैंने डोर यहाँ से दिया है। ये डाइनिंग एरिया है जो उस साइड जो मैंने कार पार्किंग की जगह छोड़ा, उससे मैं और समझा देता हूँ। यहाँ मैंने स्लोप दिया था जिससे आप कार पार्किंग कर पाएंगे। दोस्तों ये लंबा से पूरा 35 फिट का ये मैंने यहाँ पर गैलरी क्रिएट किया है, इसमें आप 3 गाड़ी लगभग खड़ी कर सकते हैं, अपना पार्किंग एरिया कुछ भी यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने इसलिए देखिए आप देख पा रहे होंगे पिलर्स दिए हैं, उसके बाद पूरा ओपन एरिया छोड़ दिया है, यहाँ पर आपकी कार पार्किंग हुई। साथ साथ इन दोनों बेडरूम्स के लिए, ये आपका जो डाइनिंग एरिया था और ये बेडरूम था, प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन के लिए आप विंडो लगा पाएंगे, तो आपके घर में रोशनी की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, हवा की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, जो भी सफोकेशन वगैरह होते हैं वो नहीं होगा, पूरा ओपन घर होगा, कार पार्किंग भी निकल आएगी, साथ ही साथ आपका ये पूरा ओपन एरिया हो जाएगा इस तरफ। इसीलिए मैंने 4-4 विंडो दिया है जिसके घर को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन मिलता रहे। तो ये पूरा कार पार्किंग वगैरह हो गया, मेन डोर हो गया। अब हम बात करते हैं ये जो आप सामने वाला ये देखिए एरिया देख रहे हैं, ये काफ़ी मोटा सा, तो ये डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से क्रिएट किया गया है दोस्तों डिज़ाइन है। अगर हम लास्ट फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर मैंने लगभग 2.5 फिट का बाउंड्री मात्र दिया, वो भी सिंपल सा बाउंड्री, बाउंड्री के आप इसे बोल सकते हैं वॉल ही मैंने क्रिएट कर दिया 2.5 फिट का, और पूरा अच्छा था। तो यही पूरा मॉडल 40 बाई 35 में जो डिज़ाइन किया था, जो एक सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर, और चारों तरफ दोस्तों दो साइड ही क्लोज्ड हाउस है और दो साइड से ओपन है। तो यही पूरा मॉडल था जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, कैसा लगा जरूर बताएं। अगर इसके हम कॉस्ट की बात करें तो एक स्मॉल हाउस प्लान नाम का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आप उसे जाकर डाउनलोड कर लें, वहाँ से कितना मटेरियल इसमें लगेगा वो, और साथ साथ उसका कॉस्ट क्या होगा वो सारा कैलकुलेट करके आपको बता देता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। और अगर आप कोई भी पेड सर्विस आप हमारी यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। लेकिन पेमेंट वहाँ पर 50% एडवांस देना होता है, इसको आपको विशेष ख्याल रखना है। तो ये मॉडल कैसा लगा अपना कमेंट करके ओपनिंग जरूर बताएं, कोई भी सजेस्टेड मॉडल हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।